किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धान में यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कब करें या जो धान में दोबारा यूरिया जो हम कब डालें, इस पर चर्चा करेंगे। यूरिया के साथ कौन से और हम रासायनिक उर्वरक डालें, कौन से और पोषक तत्वों की पूर्ति करें उसमें उसके साथ, कि जिससे हमारी फसल में और ज़्यादा कल्ले आवें, हमारे खेत में अच्छी बढ़वार प्राप्त हो, अच्छे उसमें हम उत्पादन प्राप्त कर सकें और इन सब के साथ जो है हम लोग अपना आज का शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमने धान की कौन सी प्रजाति लगाई हुई है, वो कितने अवधि की है। अगर हमारी प्रजाति 100 से 110 दिन 15 दिन वाली प्रजाति है तो उसके लिए हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग दूसरी टॉप ड्रेसिंग 30 से 35 दिन में करते हैं। अगर 120 दिन से लेकर 140 दिन की कोई प्रजाति है, लंबी अवधि की प्रजाति है, मध्यम से लंबी अवधि की, तो उसके लिए हम 40 से 45 दिन के बाद जो है, या ऐसे कह दीजिए कि जो पहले टॉप ड्रेसिंग किए हुए हैं उससे 20-25 दिन के बीच में हम जो है दोबारा हम टॉप ड्रेसिंग दूसरी वाली करते हैं। अब कितनी मात्रा डालनी है, तो जो कम अवधि की प्रजातियां हैं उसके लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं 30 से 35 किलोग्राम, और जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उसके लिए हम 45 से 50 किलोग्राम तक यूरिया प्रति एकड़ जो है दूसरी टॉप ड्रेसिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ये समय जो है बढ़वार है, कल्ले निकलने का है और तमाम सारी जो है उसमें हमारी जो फसल है उसमें जो अवस्थाएं उससे गुजर रही है उसमें पोषक तत्वों की नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम ऐसा करते हैं। अब इसके साथ कौन से और पोषक तत्व हैं जिनको हम अगर उसमें मिला दें या उस समय ऐसी अवस्था में बढ़वार की अवस्था में इन पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही खेत में, तो इसमें हम कौन से पोषक तत्व और मिला दें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा और उत्पादन मिल सके। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरत रहती है जिंक तत्व की, और अब देखने में आ रहा है कि फेरस तत्व जो आपको जिसको आयरन कहते हैं फेरस तत्व की कमी है, कहीं कहीं मैग्नीशियम की कमी रहती है, क्योंकि जब बढ़वार होती है तो उसमें पत्तियों में हरापन क्लोरोफिल बनना ये सब, तो उसमें मैग्नीशियम की ज़्यादा जरूरत रहती है, तो कुछ जगहों पे उनको रिकमेंडेशन होता है कि आप फेरस सल्फेट डालिए, कहीं कहीं आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालने की बात की जाती है, तो जिंक सल्फेट डालना है तो आपको कितना किस मात्रा में क्या डालना है कैसे करना है, अगर आप सारे पोषक तत्व तो अलग अलग प्रयोग करते हैं तो आपको ज्यादा व्यय देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिंक सल्फेट जो आपकी 33% है उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा जो आप यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ मिला लेते हैं, और जो सारे और पोषक तत्व हैं जैसे भी हमने बताया कि फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरान है, ये और सब है, तो इनके सबके लिए क्या करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट मल्टी न्यूट्रिएंट ऐसे तमाम उत्पाद बाजार में है कि जिसमें कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसमें समाहित हैं, और उसमें आप देखोगे पैकेट में लिखा रहता है कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में, आप उसमें देख लीजिए कि फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब है, तो उसको ले लीजिए और इसी में 4 से 5 किलोग्राम उसको भी आप खेत में यूरिया के साथ ही मिला दीजिए। अगर आपने पहली टॉप ड्रेसिंग में सल्फर का प्रयोग किया है तो आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग में सल्फर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो सल्फर तत्व भी इसी में आपको मिलाना है 4 से 5 किलोग्राम सल्फर तत्व, 90% जो आता है 90% WDG उसको जो है इसी में मिला देना है और मिला के एक छिड़काव कर देना है। कभी कभी देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई रोपाई के समय DAP या सिंगल सुपर फास्फेट डाल के रोपाई कर देते हैं, पोटाश नहीं डालते हैं, और जैसे कि आप जान रहे हैं फसल में पोटाश की बहुत जरूरत है धान में, अगर आप पोटाश की कमी हो जाती है तो आपकी पैदावार 20 से 25% तक घट सकती है, दाने की संख्या कम हो सकती है, बालियां छोटी हो सकती हैं और पत्तियों के किनारे सूखे सूखे से रहेंगे, आप उसमें तमाम उसके लिए परेशान होते हैं, कोई रोग लगा है तो, लेकिन उससे प्रभावित हो जाती है फसल, तो उसके लिए अगर आपने नहीं डाला हुआ है तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश इसी में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप मिला के और छिड़काव कर दीजिए। अगर किसी भी उसमें जो है किसी परिस्थिति में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्थान पर सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, 4 से 5 किलोग्राम सागरिका ले लीजिए और सागरिका को जो है यूरिया के साथ मिला के
आप खेत में प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देंगे तो आप देखेंगे कि फसल की पैदावार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से होगी, ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन पाएंगे और रोग और कीट भी कम लगेंगे, क्योंकि जब उसमें खेत में संतुलित उर्वरक पड़ा रहता है तो उसमें रोग और कीड़े का प्रकोप कम रहता है। और अगर कहीं रोग कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आप जो है तुरंत ही अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करके किसी भी तरह से आप जो है उचित जो है दवा का प्रयोग तुरंत करिए। अगर आप 8-10 दिन ऐसे निकाल दिए इंतजार करते करते तो ज्यादा आपकी फसल की पैदावार जो है इस अवस्था में रुक जाएगी और यही अवस्था है जो आपके उत्पादन को तय करती है। तो हमको ये देखना है कि हमारी पैदावार की जो अवस्था है जिसमें हमारी फसलें ग्रोथ कर रही हैं उसमें किसी प्रकार का रोग कीट भी ना आने पावे, हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कर रहे हैं, उसके साथ हमको बराबर निगरानी रखनी है कि खेत में ज्यादा खरपतवार ना होने पावे, कोई रोग कीट ना लगने पावे। तो इसके सबके लिए हम अलग से वैसे वीडियोस में बताएंगे, लेकिन अगर आपको कैसे कोई ऐसी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए भी आपको निदान बता दिया जाएगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको देखिए, अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आए जो तत्व बताए गए हैं उसके संबंध में कोई और जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको पूछ लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको आप लाइक कर दीजिए, और बाकी अगर कोई भी आपको समस्या हो, कोई दूसरी फसलों की संबंधित समस्या हो, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।